सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक GD, DB और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को एक्सेस नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में एंट को लिखा जाता है 3731 से, और शो को लिखा जाता है 574 से, और ईयर को लिखा जाता है इस टाइप से। तो आपको बताना है कि आंसर को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इनको किस टाइप से लिखा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया हुआ है ANT को लिखा जा रहा है 731 से, ठीक है। उसी प्रकार से शो को लिखा जा रहा है SAW। शो को क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको 574 से लिखा जा रहा है। और उसी प्रकार से जो है आपको दिया हुआ है EAR के लिए कोड दिया गया है 871, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि आंसर को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये इजीली हम बता सकते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट मेथड भी इसको बोला जाता है और काफी इजी है। आप देखिए यहाँ पर आपको ए के लिए कोड चूज करना है, तो आप ANT आंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए के लिए जो है 7 को यूज में लिया गया है, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। उसी प्रकार से एन के लिए देखना है, तो एन देखिए यहाँ पर है और इसके लिए 3 कोड में यूज लिया है। ठीक उसी प्रकार शो में अगर आप देखेंगे तो एस के लिए 5 है, W के लिए अगर आप देखेंगे तो 4 है, E के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 है, और R के लिए यहाँ पर कोड 1 को यूज़ में लिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और 735481 जो कि आपको ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक कूट भाषा में लॉन्च को जो है वो इस टाइप से लिखा जाता है, मार्जिन को इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि वंडर को किस टाइप से लिखा जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है LAU NC और H, ये आपको दिया गया है, और इसको क्या लिखा जा रहा है हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको लिख के। तो यहाँ पर इसको लिखा जा रहा है NCW P E और J से, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है वंडर के लिए, है ना। तो WONDER ये वंडर के लिए हमें यहाँ पर बताना है कि इसके लिए का क्या कोड जो है वो यूज़ में आएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको एक पैटर्न पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो L देखिए 12 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, और N जो है वो आपका 14 पे आता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए A जो है वो 1 नंबर पर आता है, और C 3 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पूरी सीरीज के अंदर जो है आपका प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें भी प्लस 2 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो W से प्लस 2 करने से Y आएगा, O से अगर हम प्लस 2 करेंगे तो Q आएगा, N से अगर प्लस 2 किया जाए तो P आ जाएगा, D से अगर प्लस 2 किया जाए तो यहाँ पे F आएगा, E से अगर प्लस 2 किया जाए तो यहाँ पे G आ जाएगा, और R से अगर प्लस 2 किया जाएगा तो यहाँ पे T आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा YQPFGT, जो कि दोस्तों आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B के अंदर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा चैप्टर भी है, तो लगभग सभी एग्जाम्स में से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कंबाइन को अगर इस टाइप से लिखा जाए तो टुवर्ड्स को किस टाइप से लिखा जाएगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है या फिर इसका जो सॉल्व करने का तरीका है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और होप कि आपको भी जो है समझ में आ जाएगा, और अच्छा है, ठीक है। तो देखिएगा कंबाइन को किस टाइप से लिखा जाएगा, COMBINE, इसको क्या लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है XLNYRM और V, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ऑपोजिट लेटर्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अल्फाबेट में जो है सी के ऑपोजिट एक्स आता है, ओ के ऑपोजिट एल आता है, एम के ऑपोजिट एन आता है, बी के ऑपोजिट वाई आता है, आई के ऑपोजिट आर आता है, एन के ऑपोजिट एम आता है और ई के ऑपोजिट वी आता है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रखते हैं, आपको याद होगा, जैसे कि कोरेक्स, लव, मालवीय नगर, बॉय, इंडियन रेलवे, मालवीय नगर और इवनिंग, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने जो है अनएकेडमी वगैरह पे भी बताया है और पहले जो है आपको यूट्यूब पे भी बताया है, तो आई होप आपको याद होगा। तो अब देखिए हम देख लेते हैं टूवर्ड्स को किस टाइप से लिखा जाएगा, TOWARDS, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट भी हमें लिखना है, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या आ जाएंगे, टी के ऑपोजिट आता है जी, इसको हम जी टी रोड से याद रखते हैं, ओ के ऑपोजिट एल आता है, इसको लव से याद रखते हैं, यहाँ पे डी आ जाएगा इसके ऑपोजिट, इसको हम दूध वाला से याद रखते हैं, ए के ऑपोजिट जेड आता है, इसको हम आजाद के रूप में याद रखते हैं, आर के ऑपोजिट आई आता है जिसको हम इंडियन रेलवे से याद रखते हैं, और उसी प्रकार से एच के ऑपोजिट एस आता है जिसको हम हनी सिंह से याद रखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा GLDZIWH, जो कि आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में डेल्ट को जो है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है, होप्स को जो है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपको बताना है ये जो चाक्स है इसको किस टाइप से लिखा जाएगा। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, यहाँ पे जो इसकी ट्रिक है ये भी अच्छी है। तो DELOT इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है आपके FDCK और V से, ठीक है। तो हमें बताना है CHALK, इसको क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज पता चल रही होगी आपको कि D से जो है ये सीरीज F की ओर जा रही है, यानी कि ये 4 नंबर पे आता है और ये 6 नंबर पे आता है। तो देखिए +2 हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए -1 हुआ है क्योंकि E से D की ओर जा रहा है, फिर यहाँ पे +2 हुआ है, फिर यहाँ पे -1 हुआ है, और फिर यहाँ पर जो है फिर से प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि एक बार +2, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -1, इस टाइप से सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। तो सेम हमें यही चीज जो है वो चाक में करनी है, और वही चीज जो है आपकी होप्स में भी हो रही है, ठीक है। तो चाक में हमें ये पता करना है, तो हम सबसे पहले +2 करेंगे, तो सी से +2 करने से ई आ जाता है, उसी प्रकार यहाँ -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो एच से जी आएगा, फिर यहाँ +2 करेंगे तो सी आएगा, फिर यहाँ -1 करेंगे तो के आएगा, और फिर यहाँ पे +2 करेंगे तो एम आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा EGCKM, ठीक है, और EGCKM आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसका अल्फाबेटिक नंबर वगैरह सीख जाओ, इसके ऑपोजिट में अल्फाबेट्स में क्या आते हैं वो सीख जाओ, तो ये नॉर्मल हो जाता है चैप्टर, थोड़ी सी प्रैक्टिस पे जो है आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये फिर से वो क्वेश्चन जो है आपका कॉपी पेस्ट मेथड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो लाइव्स को जो है देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है 2, 1, 8 एंड 9, 5 से, लेटर को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि रियल को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें बताना है रियल के लिए, ठीक है। तो आप देखिए आर जो है वो किस में दिया गया है और उसके लिए कौन सा कोड यूज में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें तो देखिए इसमें आपको लेटर में आर देखने को मिल रहा है और आर के लिए कोड यूज में आया है 8, ठीक है, तो ये 8 आ गया। उसी प्रकार से लाइव्स में देखिए आप यहाँ पर ई दिया हुआ, ई के लिए कोड यहाँ पे यूज में आया है 9, ठीक है। अगर आप लेटर में देखेंगे तो ए के लिए कोड यूज लिया है परसेंट का साइन, ठीक है, तो ये परसेंट आ गया। और एल के लिए देखिए आप लाइव्स में कि यहाँ पर 2 को यूज में लिया है, तो 89% 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में जुडिशियल को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो ग्लोरियस है इसको किस टाइप से कोडित किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो क्योंकि यहां पर आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको, इसको लिखा जा रहा है JUDICIAL से, है ना। तो इसको फिर क्या नोट किया गया है, JDICIAL,
UICILA से। तो अब यहाँ पर डिकोड करते हैं इसको कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे डिकोड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए कि यहाँ पर J को J सेम टू सेम लिखा है, फिर देखिए D यहाँ पे क्रॉस किया है, फिर यहाँ U को क्रॉस किया है, उसी प्रकार से I को सेम टू सेम, I को सेम टू सेम, C को सेम टू सेम, फिर यहाँ पे L और A को जो है यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है। तो यही पैटर्न जो है हमें यहाँ पर ग्लोरियस में भी फॉलो करना होगा, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ग्लोरियस लिखते हैं, तो GLORIOUS, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जी को सेम टू सेम लिखेंगे, उसी प्रकार इसको जो है क्रॉस करेंगे, तो ये ओ हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ठीक है। ये आर आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, ये सेम टू सेम ओ आ जाएगा। अब इनको भी जो है हमें यहाँ पर क्रॉस कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, ये GOLRIOSU, ठीक है, जो कि दोस्तों आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है या फिर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी खास कोड भाषा में यदि टोनिक को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए, यदि CALE को इस टाइप से लिखा जाए, तो आपको बताना है कि इस प्लैंक को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं टोनिक को जो है किस टाइप से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है इनका, और जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको लिखा जा रहा है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले सी आता है, उसके बाद में आई आता है, फिर उसके बाद में जो है आपका एन आएगा, फिर ओ आएगा, और फिर टी आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये इसका उल्टा ही बन गया है पूरा, ठीक है। लेकिन हमें जो है यहाँ पर इसके अल्फ़ाबेट नंबर के हिसाब से लिखना है। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि प्लैंक को किस टाइप से लिखा जा रहा है, PLANK। तो प्लैंक में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आता है, ठीक है। तो ए को हम नोट करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं कि के आता है 11 नंबर पे, ठीक है। तो के आ जाएगा, उसके बाद में आपका एल आता है, फिर एन आएगा, और फिर जो है वो पी आएगा, यानी कि AKLNP जो है इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला जा रहा है कि यदि एक खास कोड भाषा में टास्क को जो है वो BUJR से नोट किया जाता है, बाइंड को जो है वो JCCM से लिखा जाता है, तो आपको बताना है SUIT से जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर टास्क को कैसे लिखा गया है। तो टास्क को अगर देखा जाए तो इसको लिखा जा रहा है BUJR से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नोट कीजिएगा एक चीज़ आप, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए टी से यू गया यानी कि प्लस का 1 हुआ है, और ए से बी गया यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है, फिर यहाँ पर S से R की ओर आया है, और J K से J की ओर गया है, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, यानी कि आधी सीरीज में तो आपका प्लस का 1 हो रहा है और आधे में माइनस का 1 हो रहा है। तो हम शूट में अगर देखेंगे तो SUI और T आपको दिया हुआ है, तो इधर तो हमें प्लस 1 करना है और इधर जो है माइनस 1 करना है। तो U से अगर प्लस 1 करेंगे तो V आ जाएगा, S से अगर प्लस 1 करेंगे तो T आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने प्लस 1 कर दिया, और इस बार जो है हमें माइनस 1 करना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, तो I से हम माइनस 1 करेंगे तो H आएगा, और T से माइनस 1 करेंगे तो S आएगा, यानी कि VTSH जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये देखिए आपको कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको पहले ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जनवरी को इस टाइप से लिखा जाता है, तो अक्टूबर को जो है वो किस टाइप से लिखा जाएगा ये बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि जनवरी को किस टाइप से लिखा गया है, तो JANUARY, ये आपको जनवरी दिया हुआ है, और इसको लिखा जा रहा है ZSBTOB और K से। तो यहां पर अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर देखिए क्या हो रहा है, तो मैं बता देता हूं आपको, देखिए कि यहाँ पर जो है ये सीरीज वाई से जेड की ओर गई है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हुआ, फिर आर से एस की ओर गई है, यहाँ पर देखिए तो प्लस का 1 हुआ, फिर ए से बी की ओर गई तो यहाँ भी प्लस का 1 हुआ, फिर यू से देखिए ये यू से आपके टी माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है,
फिर देखिए n से जो है ये गई है आपके o की ओर, ठीक है। तो n से o यानी कि यहाँ पर फिर से प्लस का 1, a से b यानी कि फिर से प्लस का 1, और j से k यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 1। अगर आपने एक चीज़ नोट की है तो यहाँ पर देखिएगा कि शुरू में जो है पहले प्लस के 3 में जो है प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। पहले में प्लस में हो रहा है प्लस का 1, उसके बाद एक बार माइनस 1 हो रहा है, फिर जो है प्लस का 1 हो रहा है 3 बार। यानी कि शुरू में पहले जो है वो प्लस 1 हो रहा है 3 बार, फिर माइनस 1 हो रहा है 1 बार, फिर जो है फिर बीच में जो है 3 बार प्लस का 1 हो रहा है। तो इसी टाइप से हमें डिकोड करना है अक्टूबर के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अक्टूबर के लिए क्या हो जाएगा। ओ सी टी ओ बी ई आर, ये आपको दिया हुआ है। और अक्टूबर के लिए क्या होगा, देखिए आर से सबसे पहले एस आएगा क्योंकि प्लस 1 करना है, ई से भी प्लस 1 करेंगे तो एफ आएगा, फिर यहाँ पे बी से भी प्लस 1 करेंगे तो सी आ जाएगा, है ना। अब ओ से हमें एक माइनस 1 करना है, यहाँ पर माइनस 1 करना है, ठीक है। तो माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर प्लस 1 करना है तो टी से यू चला जाएगा, सी से फिर क्या आएगा तो सी से डी आ जाएगा, और ओ से पी आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कर दिया था इस क्वेश्चन ने मुझे भी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि यदि इनपुट 3265 जो है वो आउटपुट 6532 हो, और दूसरा इनपुट जो कि 7489 हो जिसको कि 9874 से लिखा जाए, तो 8154 को क्या लिखा जाएगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखते ही समझ लिया होगा। तो यहाँ पे क्या सीन है कि 56532 जो है वो लिखा जा रहा है किसको, तो ये लिखा जा रहा है 3265 को। तो यहाँ पर जो है बड़े से छोटे नंबर की ओर जो है सजाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको बताना है 8154 का जो है इनपुट क्या होगा, ठीक है। 8154 का क्या होगा, तो देखिए 8 सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, और फिर 1 आएगा। यानी कि बड़े से छोटा नंबर आप बता दो, बस यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 8541, ठीक है। तो ये जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।